प्रगति मैदान ट्रेड फेयर के हम हरियाणा पवेलियन पर खड़े हैं और हरियाणा की जो बाहर को हरियाणा से सजाया गया है वो खिलाड़ियों की तस्वीरों से सजाया गया है। इधर आप देख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा की तस्वीर मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर की के साथ लगाई गई है, बाकी जो खिलाड़ी हैं उनकी भी लगाई गई है। इसके अलावा हरियाणा किस तरीके से आगे विकसित करता हुआ नज़र आ रहा है उसकी तस्वीर बाहर दिखाने की कोशिश की गई है और हम अभी हरियाणा पवेलियन के बाहर हैं और अभी हम अंदर जाएंगे। पहले हम आपको शुरुआत दिखा देते हैं कि हरियाणा को बाहर से किस तरीके से सजाया गया है। तो अभी हम हरियाणा पवेलियन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार हरियाणा में हरियाणा का पवेलियन जिस तरीके से सजाया गया है इसमें क्या कुछ खास है, जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लोग किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर रिसेप्शन भी बना हुआ है, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आप? मैं विश। हरियाणा पवेलियन की अगर मैं बात करूँ तो जब लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको क्या क्या खास चीज़ें देखने को मिलेगी या जानकारी मिल पाएगी? इन लोगों के नौ डिपार्टमेंट्स हैं और एक ही फिशराइज इनका डिपार्टमेंट है और ड्रोन है और एक मशीन लगी हुई है। सरकारी जो नीतियाँ हैं, जो सरकारी योजनाएं उनको यहाँ दिखाने की कोशिश की जी। तो आगे हम हरियाणा पवेलियन में चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो हरियाणा सरकार दिखाने की यहाँ कोशिश कर रही है वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देख सकते हैं आप हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तस्वीर लगाएगी, क्या क्या कामकाज हुआ है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के थ्रू। इधर हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशनल सेंटर है, किन किन चीज़ों को प्रमोट किया गया है इस बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। बाकायदा यहाँ पर जो जानकार बैठाए गए हैं कि जब लोग यहाँ पर आए तो किस तरीके से उनको ये जानकारी दे सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक है जी नाम है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हरियाणा में बहुत कुछ प्रदर्शनी के लिए नहीं लगाया गया इस बार, सरकार की नीतियाँ सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया अलग अलग डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आप ज़रा बताएं कि जब लोग यहाँ पर आएंगे तो आप कैसे उनको समझाएंगे कि क्या क्या हरियाणा में खास है? बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा HSIDC का है, इसमें हमारा जो भी अभी नया जो मेगा फूड पार्क वगैरह लगे हुए हैं वो उसको डिस्प्ले किया गया कि क्या क्या इंडस्ट्री के लिए क्या क्या बेनिफिट है। ये स्लाइड जो हमारा HEPC है ये एक सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम है कि किसी को हरियाणा में उद्योग लगाना है तो उसको एक सिंगल रूफ हर क्लियरेंस इसी पोर्टल से मिल जाएगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, सारी आवेदन यहीं पर अप्लाई करने और यहीं से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी MSME जो छोटे उद्योग होते हैं हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, तो उनके लिए भी एक नया डिपार्टमेंट बना दिया डायरेक्टरेट ऑफ MSME करके, तो उनके लिए एक अलग से पॉलिसी भी आ गई है और ये पॉलिसी स्कीम्स ये नोटिफाइड हो चुकी हैं, तो ये बेनिफिट्स जो भी हमारे MSMEs हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, इस बार काफ़ी खिलाड़ी जीत करके आए, हरियाणा का नाम भी रोशन हुआ है, तो यहाँ पर इन सबके मेडल्स के बारे में और खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको जैसे पता है कि अभी ओलंपिक में टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उसका सबका ये डिस्प्ले है। ये गवर्नमेंट्स की जितनी भी वेलफेयर स्कीमें हैं या जो भी रिक्वायर्ड है वेलफेयर के लिए उनको डिस्प्ले किया गया है। जैसे ये स्किल यूनिवर्सिटी है, स्किलिंग के में हम अलग से एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है धोला पलवल के अंदर, तो ये इनकी मेरिट्स को डिस्प्ले किया गया है। तो टेक्निकल एजुकेशन के बारे में दिखाया गया है, तो टेक्निकल एजुकेशन में किस तरीके से उपलब्धि और किस तरीके से बदलाव आया ये बताया गया है इसमें? यस, सही कह रहे हैं। जैसे कि हमारे जितने भी पॉलिटेक्निक्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनमें कोर्सेज को मॉडिफाई किया गया है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया गया है बेसिकली उनको, कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ईजिली जॉब अवेलेबल हो पाए।